नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। अगर आपको स्टॉक मार्केट में बिग रिटर्न जनरेट करना है तो आपको क्वालिटी स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। वो क्वालिटी स्टॉक टेक्निकल हो सकता है या फंडामेंटल हो सकता है। अगर आप टेक्निकली क्वालिटी स्टॉक को ढूंढ रहे हैं तो आपको मल्टी ईयर का ब्रेकआउट को देखना है। अगर किसी भी स्टॉक मल्टी ईयर का कंसोलिडेशन के बाद उसका मल्टी ईयर का रेंज को ब्रेकआउट करता है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो स्टॉक आने वाले टाइम में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट अगर आपको फंडामेंटल स्टॉक देखना है तो जब भी मार्केट करेक्शन कर रहा होगा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक को बॉटम के आसपास ले सकते हैं, नहीं तो दोनों को कंबाइन करके भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली ऐसा ही एक स्टॉक है, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड। इस स्टॉक का प्राइस मल्टीयर का ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर इस स्टॉक का प्राइस एक सपोर्ट के आसपास आ जाएगा वो सपोर्ट आपके लिए बेस्ट लेवल रहेगा फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब भी एक स्टॉक का प्राइस उसका मल्टीयर का रेंज को ब्रेकआउट कर लेता है, ब्रेकआउट करने के बाद जब भी पुल बैक करेगा उसका जो मेजर सपोर्ट के आसपास आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वो सबसे लोअर रिस्क जोन है, जो कि आगे हम डिटेल्स में इसका टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट उचे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसे कि देखिए, इस स्टॉक का जो लास्ट 5 ईयर का रिटर्न लगभग 380%, इसका मीनिंग है कि स्टॉक का प्राइस यहां पे स्ट्रांग अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप यहां पे लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे 163%, इसका मीनिंग है कि प्राइस तो अप ट्रेंड में चल रहा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आया है, जो कि क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर लास्ट 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे 115%, जैसे कि सारे स्टॉक यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ये स्टॉक भी मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद 115% का रिटर्न डिलीवर किया है। अगर लास्ट 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 10% एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर इस कंसोलिडेशन का लोअर बाउंड्री के आसपास आ जाएगा वहां पर हम कंसिडर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसका फंडामेंटल्स के ऊपर, देखते हैं कि किस टाइप का सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स देखेंगे तो देखिए सेल्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, जो कि पॉजिटिव साइन है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। देखिए टेक्निकल मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है, सेल्स ग्रो कर रहा है, नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, और क्या चाहिए। अगर यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे, प्रमोटर यहाँ पे होल्डिंग कर रहे हैं 35%, लेकिन एफआई यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 47%, एंड रिटेल के पास माल ओनली है 10% के आसपास। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन बिलो 20% आप उसको पॉजिटिवली कंसीडर कर सकते हैं, एंड स्टॉक में तो यहाँ पे रिटेल होल्ड कर रहे हैं ओनली 10% के आसपास, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। उसके साथ टेक्निकल चार्ट में एक बड़ा टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने देखिए जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है आईआरबी इंफ्रा का, एंड यहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। देखिए स्टॉक का प्राइस यहाँ पे ईयर 2010 में टॉप क्रिएट किया था, उसके बाद प्राइस जब भी देखिए इस रेड लाइन को टेस्ट कर रहा था, प्राइस को यहाँ पे मल्टीपुल टाइम सप्लाई मिला था, एंड जो मेजर एंड मल्टीयर का रेजिस्टेंस बन रहा था 30 का। एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट जो लोअर बाउंड्री यहाँ पे बन रहा था 5 के आसपास। प्राइस देखिए यहाँ पे लास्ट 12-13 ईयर से एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है। लार्जर द कंसोलिडेशन स्ट्रॉन्गर द ब्रेकआउट। फाइनल देखिए प्राइस यहाँ पे मल्टीयर का कंसोलिडेशन के बाद 2023 में उसका जो मल्टीयर का रेजिस्टेंस 30 बन रहा था उसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया, एंड जिस टाइप का मल्टीयर का कंसोलिडेशन के बाद प्राइस यहाँ पे मल्टीयर का रेंज को ब्रेकआउट किया है, उसी टाइप का ही मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 30 को ब्रेक करने के बाद अभी देखिए स्टॉक का प्राइस ट्रेडिंग कर रहा है 67 के आसपास। इसका मीनिंग है कि ऑलरेडी 3-5 मंथ्स के अंदर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे डबल हो गया है, एंड जिस टाइप का प्राइस यहाँ पे मल्टी ईयर का ट्रेंड एस्टेब्लिश किया है, हमारा काम है जब भी स्टॉक का प्राइस पुल बैक करेगा वहां पे आपको एंट्री करना है। अगर स्टॉक आपके पास है नो डाउट आपको होल्ड करना है, लेकिन फ्रेश एंट्री कभी भी अपर लेवल में नहीं करना है। देखिए स्टॉक का प्राइस यहाँ पे एक बार बॉटम फॉर्मेशन करके बाउंस किया है, जो कि लेवल यहाँ पे बन रहा है 49 के आसपास, एंड यहाँ पे जो अपर बाउंड्री बन रहा है नियरली 72 के आसपास। प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में प्राइस यहाँ पे 49 एंड 72 इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर आगे आने वाले टाइम में इस स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 49 लेवल को टेस्ट करेगा, यहाँ पे हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है कि जिनके पास है उनको सेल कर देना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फ्रेश एंट्री करने के लिए किसी भी रेंज का लोअर बाउंड्री जो मेजर सपोर्ट है सबसे लोअर रिस्क है। अगर आपका नीचे का बाइंग है 30 के आसपास, डोंट वरी, आप वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ। लेकिन फ्रेश एंट्री करने के लिए आपको एक बार मेजर सपोर्ट
का वेट करना चाहिए। अगर इस सपोर्ट के आसपास आ जाएगा जो कि लेवल है 49, ये सबसे लो रिस्क जोन एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट लेवल बन सकता है, तो वेट कर सकते हैं 49 लेवल का। मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे एंड आने वाले टाइम इसका टारगेट क्या बन सकता है। टारगेट के लिए अभी हम यूज करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन को, क्योंकि हमें मल्टी ईयर का रेंज को ब्रेकआउट किया है, उसके साथ लाइफ हाई के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। अगर लाइफ हाई के ऊपर किसी भी स्टॉक ट्रेडिंग करेगा वहां पे कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल अवेलेबल नहीं होता है एंड वहां पे हम टारगेट मेजर करने के लिए यूज करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन को। अगर आप यहां पे मेजर टारगेट देखेंगे वो बनेगा 4.600 का फिबो लेवल, जो कि बनेगा 117। हाई प्रोबाइल है कि बड़ा टाइम फ्रेम में प्राइस आने वाले टाइम में 117 लेवल को टेस्ट कर सकता है। उसी हिसाब से क्वांटिटी मैनेज कीजिएगा, पुल बैक में 49 के आसपास कंसिडर हो सकता है। अगर अब हम यहाँ पे राशियो चार्ट देखेंगे, आईआरबी इंफ्रा वर्सेस निफ्टी 500 का राशियो चार्ट, तो राशियो चार्ट भी यहाँ पे देखिए मॉल्टर का ब्रेकआउट कर दिया है। क्लियर कट देख सकते हैं, प्राइस के लिए जो ब्लू लाइन जा रहा है वो था मॉल्टर का रेजिस्टेंस, जो कि स्टार्ट हुआ था ईयर 2010 से। प्राइस जब भी देखिए इस लेवल को टेस्ट किया है, प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है एंड फाइनली 2023 में प्राइस देखिए यहाँ पे मल्टी ईयर का जो डाउन ट्रेंड था उसको ब्रेकआउट किया। इसका मीनिंग है कि आईआरबी इंफ्रा निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर सकता है एंड अभी भी देखिए कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्लियरली प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद रेंज को ब्रेक करने के बाद ये अप ट्रेंड एस्टैब्लिश हुआ है। आने वाले टाइम में आईआरबी इंफ्रा और भी आउट परफॉर्म कर सकता है, तो स्टॉक को रडार में रखिएगा, है तो होल्ड कीजिएगा, फ्रेश एंट्री या फ्रेश इन्वेस्टमेंट 49 के आसपास कर सकते हैं, नहीं तो क्वांटिटी को डिवाइड भी कर सकते हैं एंड आज उजल हमेशा से क्वांटिटी को मैनेज करना है। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।